विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नुहू जिले के गांव गुंडवास में पहुंची, जहां पर कार्यक्रम में भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन रहे मुख्य अतिथि। बता दें कि आज देश में एक ही गारंटी चल रही है, वो है मोदी जी की गारंटी। मोदी ने देश के लोगों से वायदा किया है कि किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, आमजन की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में अपने वायदों को पूरा करते हुए हर आम जन का ख्याल रखा है। आज सोमवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक ने नुह विधानसभा के गांव कुंडवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन गुंडवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे। गांव में पहुंचने पर चौधरी जाकिर हुसैन का ग्रामवासियों ने फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व ग्रामवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई तथा संकल्प यात्रा में लगी सभी विभागों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। चौधरी जाकिर हुसैन ने ड्रोन को चलाया था। ड्रोन द्वारा किस तरह से फसलों के लिए लाभदायक है और इसके बारे में जानकारी ली। आप देख रहे हैं नुह मेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज ग्राम पंचायत गुंडवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामवासियों ने मेरा और हमारे सभी साथियों का बहुत शानदार स्वागत किया और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने जन जन तक इस जनसंवाद के मार्फत इस कार्यक्रम को गांव तक पहुंचाया और जिला नुहू के अंदर हमारे अधिकारियों ने बहुत शानदार तरीके से इसको लागू किया है, जिसका लोगों को बहुत लाभ हुआ है और पूरी मेवात की 36 बिरादरी के लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं और वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जो विकास की जो गति है आगे और तेज चलेगी और नुहू जिला पूरे देश में विकास में नंबर एक पे होगा। ये लोगों को आशा ही नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात इस प्रयास में है कि मेवात क्षेत्र और जिला नुहू आगे बढ़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में।